हैं और सुधाकर सिंह अपने जो दादनपुर का एक विद्यालय है वहां पर वोट करने आए हैं और पूछे हैं कि सुधाकर सिंह जी बताएं क्या करेंगे मतदान को लेकर, लगातार जो बूथ केंद्र है वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह का मतदान हो रहा है? बस निष्पक्ष चुनाव होने दीजिए। वोट दिया आपने? जी दिया है। क्या कहेंगे आपके द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार चुनाव आया? यहाँ किसी पार्टी का चुनाव ही नहीं रह गया है, घोसी बचाओ भारी भगाओ का नारा क्यों रहा है? बड़े बड़े मंत्री आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो सब सब आकर के हमारे भीतर से वोट मांग रहे थे। क्या मुद्दे हैं घोसी के? घोसी बचाओ भारी भगाओ, लगातार समाजवादी पार्टी पे आपके बेटे पर आरोप लगा पुलिस को धमकाने का। मेरा बेटे सुजीत कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और पीएचडी है, पुणे यूनिवर्सिटी क्या किया है वो आप सब कभी कह नहीं सकता। ये तो झूठा आरोप था, फंसा करके चुनाव को परेशान कर रहे हैं। आपने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि आप वोट करने के लिए जा रहे हैं? निर्वाचन आयोग पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है और हमारी केवल घोषी मतदाताओं से अपील है कि शांति पूर्वक मतदान करें और डरे ना। हमारे साथ सुधाकर सिंह जी, जिन्होंने कहा कि हमारे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपने बेटे की दलील देते हुए नजर आ रहे। वहीं घोसी विधानसभा क्षेत्र पर कहा कि इस बार बाहरी का मुद्दा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी प्रचार कर रहे थे, सुधाकर सिंह जी ने कहा ये हमारा प्रचार कर रहे थे ना कि भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे में देखना यह होगा कि जो घोसी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव है इसमें लगातार लोग मतदान करने आ रहे हैं और अभी सुधाकर सिंह यहाँ मतदान करने आए थे और वो वोट देकर निकले हैं। और ऐसे में जो शासन प्रशासन की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है, सुरक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार सुबह से मतदान कराया जा रहा है और यह ग्रामीण इलाका, ऐसे में जो भीड़ है वो लगभग 10 बजे के बाद ही बूथ स्थलों पर दिखेगी क्योंकि सुबह के वक्त काफी काम होता है और लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं। लेकिन हालांकि इस बात पर भी कहीं ना कहीं कुछ बूथों पर बहुत सारे लोग भी दिखते हुए नजर आए हैं और अब देखना यह होगा कि आगे का मतदान किस तरह का होता है। भारत समाचार, नॉर्थन शर्मा, मऊ।